दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ चर्चा में हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर, क्योंकि हरियाणा का विधानसभा चुनाव नजदीक है। अगले 90 दिन में कभी भी जो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें हैं उनके लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो जाएगा, यानी कि चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा में हूं हरियाणा के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को लेकर, जिसमें कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का आलाकमान, कांग्रेस की प्रदेश इकाई लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद प्रफुल्लित हैं। कारण कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें कमा ली, यानी कि 5 सीटें जीत ली। वो कांग्रेस जिसका कि 2014 में हरियाणा में सूपड़ा साफ हो गया था, वो कांग्रेस जिसका कि 2019 में हरियाणा में सूपड़ा साफ हो गया था, यानी कि जीरो पे आउट हो गए थे। 2014 में मात्र एक सांसद था, लेकिन अब 2019 के चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने 5 सांसद जिता लिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से 5 सांसद छीन लिए। और इस चुनाव परिणाम के बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेसियों के अंदर उत्साह की लहर है। मैं आपसे चर्चा में इस बात को लेकर हूं कि कहीं कांग्रेस के जो उत्साह की लहर है, जो कांग्रेसियों में जोश है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहीं ये दिखाई दे रहा है कि भविष्य स्वर्णिम है, सरकार बन सकती है हरियाणा प्रदेश में, लेकिन इसमें कहीं जो कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स है वो कहीं कोई डेंट तो नहीं लगा देगी। आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कि मैं आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहा था, एक टीवी चैनल के साथ कुमारी सैलजा का इंटरव्यू चल रहा था। कुमारी सैलजा सिरसा की सांसद आजकल, और इससे पहले भी वो सिरसा और अंबाला से कई बार सांसद रहीं, मनमोहन सरकार की वजीर रहीं, मनमोहन सरकार पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में, हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष रही, यानी कि हरियाणा की बड़ी नेत्री जिनका न केवल राजनीति के अंदर बल्कि गांधी परिवार के अंदर भी पूरा दखल है, पूरा असर है। आगे बढ़ने से पहले आपको मानगी भर बता दूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरे हरियाणा के अंदर जो चुनावी सभाएं की, वो चुनावी सभा उनकी सिरसा के अंदर हुई, और सिरसा में कुमारी सैलजा के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा की जो जोड़ी थी उसको लोगों ने खूब देखा। अब आपसे बात कर रहा हूं आगे जो भविष्य की राजनीति है उसको लेकर। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही और उससे पहले से आपने कई बार देखा होगा कि कुमारी सैलजा हरियाणा के अंदर समानांतर जो एक गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान का है, उनके समानांतर कुमारी सैलजा का एक अलग धड़ा, एक गुट चलता है। कुमारी सैलजा का गुट कभी तो एकदम से प्रभावशाली भी हो गया था, क्योंकि उस गुट के अंदर किरण चौधरी भी थी, उस गुट में रणदीप सिंह सुरजेवाला, उस गुट में खुद किरण कुमारी सैलजा और तमाम ऐसे नेता जिनको कि कहीं हुड्डा साहब के साथ जिनकी पटरी नहीं बैठती, वो सब वहीं थे। कुमारी सैलजा की जो संगिनी थी, अच्छी संगिनी किरण चौधरी, वो लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़कर चली गई भारतीय जनता पार्टी में। और जिन लोगों को लोकसभा चुनाव में टिकट मिला था, जो सांसद बने 5 सांसद या जो हार गए 5-4 सांसद, क्योंकि एक तो आम आदमी पार्टी के पास सीट थी कुरुक्षेत्र की, जिन 5 सांसद जो 5 सांसद जीते उनमें से 4 भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बगलगीर हैं, उनके साथ रहते हैं। जो 4 हार गए वो भी हुड्डा साहब के नज़दीकी हैं। कुमारी सैलजा अगर कहें तो उसमें अकेली पड़ गई, लेकिन इसके बावजूद कुमारी सैलजा आजकल आक्रामक हैं। मैं जो आपको बता रहा हूं कि उनका एक जो टीवी चैनल पर मैं इंटरव्यू देख रहा था उसमें कुमारी सैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं जो दीपक बावरिया, उन पर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से कई प्रकार के आरोप लगा रही थी और उनकी कार्यशैली को लेकर के उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए वो ये कह रही थी कि कांग्रेस को देखना होगा, एक तरफ तो ये कह रही थी हम सब कांग्रेस जन हैं और सबने कांग्रेस का उत्थान करना है, कांग्रेस का भला करना है, कांग्रेस को आगे ले जाना है, लेकिन दूसरी तरफ कुमारी सैलजा खुद ये भी कह रही थी कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कार्यशैली है उससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। जो उनका कहने का मकसद था, जो उनका कहने का तात्पर्य था,
उन्होंने हुड्डा साहब को लेकर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर एक ही वर्ग का, एक ही परिवार का जो आधिपत्य स्थापित हो रहा है, जो वर्चस्व स्थापित हो रहा है, ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद नहीं है, ये कांग्रेस को नुकसान देगा। इसके साथ साथ उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी उदयभान जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर परोक्ष रूप से कई सारी बातें कही। आपको ये भी पता है कि आजकल दीपेंद्र हुड्डा अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा मांगे हिसाब, यानी कि हिसाब मांग रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा की जनता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 10 साल का। तो ये तो लड़ाई हुई हुई कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन कुमारी सैलजा अपनी अलग लड़ाई लड़ रही हैं। कुमारी सैलजा का जो मैंने बताया कि हुड्डा साहब के लिए तो वो सब कुछ, उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति का जो वर्चस्व बढ़ना, एक ही व्यक्ति का, एक परिवार का आधिपत्य बढ़ना, एक वर्ग का बढ़ावा देना, ये सब उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए फायदेमंद नहीं है। और कहा चिंतित इसलिए हैं क्योंकि हम कांग्रेस जन हैं। जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उन पर भी उन्होंने परोक्ष रूप से हमला किया, परोक्ष रूप से उन पर हमला हुआ। ये कहा कि जो प्रभारी हैं वो भी अपनी ड्यूटी सही नहीं निभा रहे, कहने का मकसद उनका ये था। दूसरी तरफ अब कुमारी सैलजा खुद अपनी यात्रा निकाल रही हैं, अपनी यात्रा के लिए कह रही हैं कि मेरी यात्रा तो पहले भी चल रही थी लोकसभा चुनाव से पहले, और चुनाव आ गया क्योंकि तो यात्रा वो बंद हुई, वो उनकी यात्रा बस में थी पहले, अब वो शहरों के अंदर पैदल यात्रा करेंगी। हालांकि तारीख और कार्यक्रम तो अभी तय नहीं हुआ, लेकिन ये तय हो चुका है कि कुमारी सैलजा यात्रा निकालेंगी। दोस्तों मैंने आपको, ध्यान होगा, आपको एक वीडियो डाली थी पिछले दिनों, शेयर की थी, आप इसे देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुमारी सैलजा के, खासकर फरीदाबाद को लेकर के, हालांकि कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, कांग्रेस आला कमान ने, हरियाणा इकाई ने, प्रभारी ने, चुनाव प्रभारी ने, सब लोगों ने देखना है। लेकिन मैंने उस वीडियो में आपसे बात की थी कि फरीदाबाद के अंदर आखिर कुमारी सैलजा के पास ऐसे कौन से महारथी हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि टिकट वितरण के अंदर हुड्डा ने चलाई, हुड्डा साहब की चली, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही का ही वर्चस्व रहा। मैंने एक वीडियो जो आपसे शेयर किया था फरीदाबाद के बारे में, अगले जिलों, अगले लोकसभाओं के बारे में भी आपसे बात जरूर करूंगा। फरीदाबाद लोकसभा के लिए मैंने आपको बताया था कि आखिर कुमारी सैलजा के जो महारथी हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा महारथी भी है कि जो चुनाव जीत करके और विधानसभा तक पहुंचे, या जिन पर दाव लगाया जाए और भरोसे के साथ कहा जा सके कि ये चुनाव जीत जाएंगे, ये चुनाव जीत जाएंगे, देखना होगा। और अब वही बात मैं आपसे दोहरा रहा हूं, क्योंकि सरकार बनेगी विधायकों से, विधायक तब बनेंगे जब टिकट वितरण होगा, और टिकट वितरण के अंदर चेहरों, जो चेहरे उतारे जाएंगे, उनका अपना भी असर रसूख हो, कांग्रेस का भी असर रसूख हो, कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है, चाहे वो कुमारी सैलजा गुट है, चाहे वो हुड्डा गुट है, अगर उनका मिला जुला सबका सहयोग सानिध्य रहेगा तो फिर विधायक बनने की बात आएगी। लेकिन अगर कहीं नेता ऐसे हुए कि जिनका अपना वर्चस्व ना हो, जिनका विधानसभा क्षेत्रों में अपना वर्चस्व ना हो, जो अपनी लड़ाई ना लड़ पाएं, वो आखिर विधानसभा की दहलीज तक कैसे पहुंचेंगे और कैसे कांग्रेस को ताकत देंगे, ये देखना कांग्रेस जनों का काम है। हम इसके अंदर ना तो कोई राय दे रहे हैं, हमने तो केवल एक बात बता रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए चेहरे भी चाहिए, क्योंकि कुमारी सैलजा लगातार कह रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोगों को का वर्चस्व रहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिसाब से टिकट बटी, अगर ये टिकट ऐसे ना बटती तो शायद ज़्यादा लोग चुनाव जीत जाते। अब हालांकि वो ये तो नहीं बताते कि किनको टिकट मिलता तो ज़्यादा चुनाव जीतते, लेकिन ये जरूर है इस पर उनका जो रंज है, तंज है, गुस्सा है, क्षोभ है, वो कहीं ना कहीं छलकता है। और वो कहती हैं कि एक ही पार्टी के अंदर गुट पनप रहा है, बढ़ रहा है। और मैं आपको जो बता रहा था कि अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है, हरियाणा के अंदर इस समय मुकाबला जो है वो तलवार की धार का है, ना भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है, ना कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भले ही है, लेकिन जिस प्रकार नायब सिंह सैनी लगातार ताबड़तोड़ फैसले आजकल ले रहे हैं, उनका कितना असर जाएगा देखना यह भी होगा। डैमेज कंट्रोल की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कर रही है कि किस प्रकार डैमेज कंट्रोल हो ताकि आगे कुछ हिसाब किताब ठीक बना रह जाए। लेकिन अगर कांग्रेस में यही सिस्टम रहा, मैं आपसे अपने कई वीडियोस में कहता रहा हूं कि जो गुटबाजी की बात है ये भी हर जगह होती है। अगर मैं कांग्रेस की आपसे बात कर रहा हूं तो बात मैंने आपसे कई बार भारतीय जनता पार्टी की भी की कि राव इंद्रजीत सिंह, अनिल विज, राव नरवीर, तमाम नेता, तमाम लोग इस समय सिर उठा रहे हैं। तो अब जो भविष्य की बात है, क्योंकि इस वीडियो में आप सबके साथ कांग्रेस को लेकर था,
कि अगर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव की तरह से और उससे बेहतरीन प्रदर्शन अगर विधानसभा में करना है तो फिर एक रणनीति बनानी होगी। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण ये होगा, हालांकि राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा था, जब कांग्रेसियों की राहुल गांधी ने बैठक ली कांग्रेस के लोगों की, जिसके अंदर तमाम बड़े छोटे नेता मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर केसी वेणुगोपाल, और उसके अंदर हरियाणा के सभी नेता, चाहे वो दीपक बावरिया प्रभारी और तमाम नेता थे। और उस बैठक में राहुल गांधी ने कहा भी था कि पार्टी का कोई भी नेता सोशल मीडिया या मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसी बात ना बोले जिससे कहीं गुटबाजी छलके। लेकिन अभी हाल ही में कुमारी सैलजा का जो बयान है वो इंगित कर रहा है कि गुस्से में तो हैं कुमारी सैलजा। अब ये गुस्सा कहीं कांग्रेस का नुकसान तो नहीं कर देगा? सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि चुनाव जब नज़दीक आ जाता है तो फिर अगर नेताओं के बोल बेबोल होते हैं फिर समस्याएं बन सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी है या इसको कुछ लोग, हम जैसे लोग ही इसको चलाते हैं? क्योंकि जहां अगर हम लोग आपसे कह सकते हैं तो हमारे दर्शकों का भी अधिकार है कि वो भी हमें सीधे सीधे बता दें। दूसरी बात ये कि अगर कांग्रेस की ये कोई गुटबाजी है तो वो क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कोई नुकसान पहुंचाएगी? और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि आखिर क्यों कांग्रेस जनों को अपने आलाकमान, जो मैंने बताया राहुल गांधी ने कहा था कोई बाहर नहीं बोलेगा, उसका असर क्यों नहीं होता? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।